अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है और मेरे साथ आज अली मोहसिन भाई हैं। और आज हम सीखेंगे कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट या हॉस्पिटल कैसे बनाया जाता है। तो अली भाई ने जो है वो एक हॉस्पिटल बनाया है, उसका नाम है आंखों का कोई अस्पताल है। उसका क्या नाम है अली भाई? बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट, पीओबी बिल्कुल आई हॉस्पिटल। ठीक है। पीओडी आई हॉस्पिटल है जो कि कराची में वाकई है। तो सबसे किसी भी काम के करने के लिए सबसे पहले वाई चाहिए होती है कि क्यों कर रहे हैं, फिर चाहिए होती है हाउ कि कैसे करना है। तो अली भाई से पहले पूछते हैं, अली भाई ये क्यों बनाया आपने आंखों का अस्पताल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, क्यों बनाया? मतलब कुछ करने का पैशन था या बहुत शिद्दत से किसी चीज का एहसास था कि कोई अच्छा काम करना चाह रहे थे, और फिर आंखों का अस्पताल इसलिए बनाया कि उससे रिलेटेड लोग शायद मेरे एनवायरनमेंट में मेरे करीब थे, तो चीजें सिनर्जाइज हो गई। तो और फिर पाकिस्तान का ये मसला कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग जो हैं या लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि देख सकते हैं, उनको शायद 5,000 रुपए का या 4,000 रुपए का एक स्पॉन्सर्ड आई ऑपरेशन चाहिए होता है, लेकिन वो 10 10 15 15 साल तक अंधे रहते हैं और वो इस फैसिलिटी तक या इस इलाज तक पहुंच नहीं पाते। तो ये बेसिकली एक प्राइम मोटिव था जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल बनाने की ख्वाहिश हुई। सही। तो अब आपके जो मोटो है वो ये है, इसका प्रिवेंशन ऑफ आई डिजीज, ब्लाइंडनेस, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ब्लाइंडनेस। ऑफ ब्लाइंडनेस। तो पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बनाया। इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि इसके जरिए हम एक किताब बना लें और उस किताब के अंदर लिखा हो कि कोई भी हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो ये मैनुअल जरूर पढ़ ले, उसके बाद वो हॉस्पिटल बनाए। तो पहला काम तो ये होता है कि इरादा कर लिया, कि आपने फैसला कर लिया कि अच्छा अब ये बनाना है। तो ये इस इरादा करने के अंदर बहुत सारे लोग हमारी हिम्मत तोड़ते हैं, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो उस मरहले से आप कैसे गुजरते हैं वो हमें समझाइए। रानवी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं सबसे पहले कराची गया और एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट से मिला और मैंने कहा कि हम आंखों का एक अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो बात करते करते उन्होंने मुंह मोड़ लिया और मुझसे बात ही नहीं की। और बेसिकली ऐसे ही जैसे कि वो पागल सा आदमी है, खुद इंजीनियरिंग की हुई है, आई का हॉस्पिटल क्यों बनाना? फिर सबसे आसान होता है, कह देते हैं फला जगह इतना हो रहा है, ये हो रहा है, एंड दे डोंट टेक इट सीरियस। तो जाहिर है कि मुझे भी थोड़ा सा लगा तो कि यार ये कोई बहुत मुनासिब मेरे साथ रवैया नहीं रखा गया। और फिर एक डॉक्टर के साथ नहीं, मैं अब और वही सारे लोग हैं जो बाद में 2 साल के बाद उनके किरदार बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वही सारे लोग थे, उनके पास गए और काफी उन्हें डिसअपॉइंट किया। और फिर हर किसी की शायद अपनी कोई पोजिशनिंग और हर किसी की अपनी कोई लिमिटेशंस भी होती है, तो वो सिनर्जाइज नहीं होते उस वक्त। तो ये नहीं कि वो बुरे होते हैं या वो आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं, बस वो बात नहीं मैच कर रही होती है। तो उसमें ये है कि भाई आप कितना परसिस्टेंट है। मुझे ये जरूर था कि मतलब पता नहीं क्या वजह कहनी चाहिए, लेकिन मुझे ये यकीन था कि बस अब ये होना चाहिए, ये होगा, ये करेंगे, ये हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस अभी ये चीज सेट नहीं हो पा रही। तो ये जरूर पैशन था। और एक और वजह मैं बता दूं रेहान भाई, वो इतने अच्छे डॉक्टर्स थे वो लोग सारे, वो अफ्रीका जा करके अपनी यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के अफ्रीका में जाके गरीब अफ्रीकन की सोमाली लैंड में और सूडान में और कहाँ कहाँ जाके ऑपरेशन करते थे। मैंने कहा भाई जब आप इतना बड़ा काम करते हैं तो पाकिस्तान में आपका अपना कोई सेटअप नहीं है, यू डोंट हैव अ हॉस्पिटल। तो वो कराची में ये करते थे कि जाके सोसाइटीज में कोई हॉस्पिटल का थिएटर संडे को रेंट करके 100 200 ऑपरेशन कर देते। मैंने कहा कि देखिए ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है बात। इफ यू विल बिल्ड योर ओन हॉस्पिटल, आप लोगों को डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं, इसी काम को बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, रिसोर्सेज बढ़ेंगे और इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो उस वक्त वो साल के 2 या 1.5 हजार ऑपरेशन कराची में कर रहे थे, अब माशाल्लाह से 20,000 लोगों का फ्री एनुअली ऑपरेशन होता है। तो दिस इज समथिंग, लेकिन अगेन इट्स ऑल टीम एफर्ट, ये तो कहे बगैर कोई भी चीज बन नहीं सकती मेरे ख्याल से। सही है। तो सबसे पहले जो चीज आपको कोई भी काम करने से पहले चाहिए वो जुनून चाहिए, यानी ओ यस पैशन आपके अंदर होना चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए।
और फिर जुनूनियत, पागलपन की हद तक का जुनूनियत होनी चाहिए कि जी ड्राइव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप तीन आदमी आपको बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, तो आप दुकान बंद करके बैठ जाएंगे, तो फिर आप कोई दुकान नहीं चला सकते। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ख्वाहिश, इस हद तक ख्वाहिश चाहिए कि आपके अंदर वो जुनून की हद तक हो। दूसरा फिर आपके अंदर ड्राइव चाहिए जो कि आप कहें कि नहीं, कोई कुछ भी कहे मैं तो ये करूंगा। और जो कहने वाले लोग हैं वो खराब लोग नहीं हैं, वो आपकी बात अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, कि आपको वो जानते नहीं है। जुम्मा जुम्मा 8 दिन के आप हैं, उन्होंने आपके आपके सामने के वो, तो आपको वो नहीं समझते कि आप कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है। तो वो लोग सारे के सारे जिन्होंने आपकी मुखालफत की थी या आपको मना कर रहे थे, वो खुद सारे के सारे वापस आपके पास आ जाएंगे, शर्त यह है कि आप पे वो भरोसा कर सकें शुरू में। क्योंकि हमारे माशरे में और दुनिया में हर जगह बहुत सारे लोग आते हैं कहते हुए कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, सारे फन्ने खान बनते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनकी हवा खत्म हो जाती है। तो अगर आपके अंदर भी वो हवा खत्म है तो आप फिर आगे किसी भी काम में नहीं चल सकेंगे। तो ये बात हमें मोहसिन भाई ने बताई, अली भाई ने, कि सबसे पहले पैशन होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। उसके बाद आई उन्होंने बात बताई कि टीम बिल्डिंग होती है। तो अब जो पहले ये टीम किस तरह से आपने बनाई, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था हॉस्पिटल बनाने का, आपके पास कोई करोड़ों रुपए फालतू नहीं पड़े हुए थे कि आप हॉस्पिटल बनाएं, आपके पास पैसे कितने थे जब आपने शुरू किया था? मैं तो सैलरीड पेशा आदमी, मेरे पास कोई पैसे ऐसे स्पेयर नहीं थे कि मैं इवन बस कुछ कर सकता था। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले सिर्फ एक चीज और। जैसे आपने कहा ना, ऑब्सेशन और जुनून होना चाहिए। रेहान भाई, इस हद तक था कि रात को जब बिस्तर पर लेटते थे तो आंखों के सामने आई हॉस्पिटल बनता दिखाई देता था, या थिएटर चलता दिखाई देता था, या मतलब इट कैन नॉट बी जस्ट के जी दिन गुजर गया या मेरा कोई काम था। वो मतलब वो 24 घंटे थे। 2012 में मुझे याद है वो पहली कॉल थी जिसके ऊपर ये बातचीत शुरू हुई थी। बिलीफ था, क्योंकि कॉम्पिटेंसी, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और ऑनेस्ट लोग ग्राउंड पे नजर आ रहे थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, इसको कन्वर्ट कर देना एक प्रैक्टिकल चीज पे। और ये बात भी आपने बिल्कुल सही की कि रेहान भाई, बहुत सी चीजें बातें होती हैं, बातें होती होती हैं। असल चीज तो जिंदगी तो यही है कि आप एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लें या एक लूप को क्लोज कर लें। तो बहरहाल ये वाली बात होगी। दूसरी बात जो आपने बोली टीम बिल्डिंग वाली, कि वो कैसे हुई, तो ये था कि रेहान भाई बहुत टाइम स्पेयर करना पड़ता है उन सारे लोगों के साथ। फोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, पाकिस्तान में छुट्टियों में जाना, और हर हर्डल बस सिर्फ एक धुन ये होती है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमें उसको हल करना है। कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट आएगा हमें उसको, उससे मकसद को फौत नहीं होने देना है कहीं पे। और इसमें पर्सनल ईगो भी आती है। बहुत सी बातें होती हैं जो आप बर्दाश्त नहीं करते, या आपके सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं जिसपे आप चलना चाहते हैं, दूसरा आदमी एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स के साथ चलना चाहता है, और बाज़ अवकात उसमें कोई उसका एडवांटेज होता है, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट होता है। बहुत सी चीजें होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने उस सारे प्रोसेस में ये सीखा कि बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक कॉस्ट प्राइस है जिसको लेना, बहुत अनएथिकल चीज को तो डेफिनेटली आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर बहुत रिजिड हो जाएंगे कि नहीं मैं जैसा कह रहा हूँ मेरा जैसा, जबकि मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं जो भी डीलिंग करता हूँ लोग यही कहते हैं आप बहुत बदतमीज हैं, बहुत रिजिड हैं, आप बहुत सख्त हैं, आपने खुद तय किया हुआ होता है, आप मशवरा नहीं करना चाहते, दे टॉक ऑल दिस। मुझे उसके अंदर ये कि देखें, मेरे दिल के अंदर ही होता है कि मुझे बेईमानी नहीं करनी है, या मैं कोई अपनी शोहरत या ग्लोरी के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस कॉज के लिए समझता हूँ कि ये ट्रैक है। मुझे कोई बोल्ड आउट करे, मुझे कोई चैलेंज करे, मुझे कोई गिरा दे, मुझे कोई फाड़ के फेंक दे के मैं गलत हूं, तो मैं तस्लीम कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई नहीं कर रहा बोल्ड आउट, और ये कोई सिर्फ यही कह रहा है आप बदमाश हैं, जिद्दी हैं, बदतमीज हैं, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको दिमाग से निकालता हूँ, और जो टारगेट है मुझे उस पर जाना है, मुझे वो करना है। तो उन निगोशिएशंस में एक और बात है भाई, मतलब हम लोग सारे जितने लोग थे वो पाकिस्तान से बाहर थे, डॉक्टर्स की टीम पाकिस्तान के अंदर थी। पाकिस्तान का माइंडसेट ये है कि जी बस बैरून मुल्क किसी से राबता हो गया या कोई एनजीओ हो गई, वहां से पैसे आएंगे। हमारी मेंटेलिटी सिर्फ ये है पाकिस्तान में रहते हुए कि हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि कहीं से रिसोर्स आ जाए और हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बस ये बड़ा अजीम काम है। हमने पहले दिन से उनसे ये बात तय की थी कि हम लोग पार्टनर्स हैं, हम लोग टीम मेंबर्स हैं। अगर आप, और ये आप ऐसा नहीं है कि हम देने वाला हाथ है आप लेने वाला हाथ है, इस तस्वुर को तोड़ें, खत्म करें, और हम भी मेहनत करेंगे आप भी मेहनत करें,
और हम मिल करके इसके लिए रिसोर्सेज जमा करेंगे। पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है कि उसको अमेरिका, फ्रांस, जापान और कनाडा और सऊदी अरब से ही पैसे आएंगे तो कोई नेकी का काम हो सकता है। पाकिस्तान या कराची में तो खुद बहुत कुछ है, लेकिन बड़े लंबे टाइम तक रेहान भाई उन डॉक्टर्स ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। एंड दे ऑलवेज बैंक के वो तो फला काम नहीं हो सकता क्योंकि पैसे नहीं, या फला काम नहीं हो सकता तो पैसों का ऑब्स्टिकल। लेकिन एक एक और हम हमारी टीम में ओवरसीज में सबको ये यकीन था कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने पोटेंशियल वाले लोग हैं, इनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता या अपने आप को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। द मोमेंट दे विल डू दैट, ये हमें पूछेंगे भी नहीं पैसों के लिए। और जब हम ये बात करते थे तो वो हंसते थे हम पे, लेकिन टाइम ने प्रूफ किया कि मन और रेहान भाई, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या हुआ वो। तो एक तो ये कि बर्दाश्त करनी पड़ी बहुत सी बातें, अपने आप को भी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल करना पड़ा। और ये कि मकसद के साथ सच्चाई थी तो वो डॉक्टर्स भी देखते थे कि ये पागल लोग हैं, क्यों कोई बैरूनी मुल्क अपनी जॉब के दौरान दिन रात हमें कॉल करता है, फॉलो अप करता है, पूछता है। तो जाहिर है कि थोड़ा वो रिस्पेक्ट भी कर रहे थे इस बात को। एक पॉइंट पे ये हुआ कि मैं एक साहब के पास गया बैरून मुल्क, और उनको मैंने कहा कि देखिए मैंने पूरी रिसर्च कर ली। मैं अपनी छुट्टी पे कराची गया, मैं हाशवानी हॉस्पिटल गया, और मैंने, मुझे तो डॉक्टर नहीं था, मैंने एक एक मशीन की तस्वीर खींचना शुरू की, फंक्शन पूछे उसके, मैंने वो पूरा चीजें लिखी और उससे एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन डेवलप की। और फिर उसमें इमोशंस डाले, ऐसे इमोशंस डाले जो ये दुख बताएं कि एक अंधे आदमी का क्या दुख है और पाकिस्तान के अंदर अंधों की क्या मिजरी है। जब वो प्रेजेंटेशन बन गई और वो ऐसी थी, और मेरा उसमें टारगेट ये था, ये नहीं कि मैं फेक तौर पे लोगों को रुलाना चाहता था, लेकिन मेरा एम्बिशन उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ ये था कि जब मैं उसको कहीं भी प्रेजेंट करूंगा और उसका कंटेंट कोई भी देखेगा तो उसकी आंख से आंसू निकलना चाहिए, ही शुड क्राई। और ये आंसू कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है बल्कि कॉज की सच्चाई है, और इसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। और ये पैसे लूटने या समेटने की लालच नहीं थी, बल्कि इस कॉज के लिए पैसे चाहिए थे, और बहुत पैसे चाहिए थे। तो ये वो प्रेजेंटेशन हुई। और प्रेजेंटेशन में भी एक चीज रेनवे में ऐड करूं कि उसमें बहुत कोई टेक्निकल बातें नहीं थी, बहुत कोई डिटेल्ड, जाहिर हमारा वो मकसद नहीं था, लेकिन मैंने उसमें, मैं मार्केटिंग का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने ये देखा कि जितना आप चीज और मसले के करीब ले जाएंगे उतना वो रियल होगा। तो भाई तस्वीरें दिखाओ इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन कम, तस्वीरें ज्यादा, मशीनों की तस्वीरें दिखाओ, लोगों की तस्वीरें दिखाओ। इस पे भी एक बहस है कि आप गरीब लोगों को तस्वीरें दिखा के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मेरा इसके अंदर जाविया ये है कि हम इस दुख को दिखा रहे हैं ताकि इस मकसद को सपोर्ट मिले, और किसी को इसमें जाती तौर पे हम डिग्रेड नहीं कर रहे। तो रेहान भाई इस तरह से वो प्रेजेंटेशन बनी। पहली प्रोग्राम में एक साहब ने 500 रियाल का एक डोनेशन दिया, जो मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के एक एनवेलप में डाल दिया, और इसी उम्मीद पे कि इस एनवेलप में करोड़ों रुपए जमे जमा हो जाएंगे इस मकसद के। और फिर ग्रेजुअली वो लैपटॉप लेकर के हम इवेंट्स भी करते थे, लोगों के पास भी जाते थे, निजी महफिलों में भी जाते थे, वो दिखाते रहे और इरफान भाई, रेहान भाई वो पैसे जमा होना शुरू हुए। इसी दौरान एक साहब हमें मिले, उनको मैंने ये सब कुछ दिखाया बताया, मैंने कहा कि मुझे हम पूरा यहाँ पे यकीन। एक पॉज लेते हैं, और क्योंकि हमारा जो आइटम था, अगला चैप्टर था, वो है टीम बिल्डिंग। करेक्ट तो टीम बिल्डिंग से पहले आपने कहा कि ईगो जो है उसको दरवाजे पे रख के अंदर आए, बिल्कुल बिल्कुल ईगो जो है आपकी होनी नहीं चाहिए, ना आपको बिल्कुल आप अलमारी में बंद करके घर से निकले। बिल्कुल सेकंड चीज आपने बताई कि जब आप, इससे भी पहले एक काम आपने किया कि आपने अपना होमवर्क पूरा किया, और वो होमवर्क जो था वो आपने पावर पॉइंट की शक्ल में बनाया, और उसके अंदर आपने इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कोई भी अंधा काणा आदमी बैठा हो बिल्कुल तो वो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, आसान अल्फाज होने चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए समझाने के अंदर। और आपने पूरा का पूरा आसान अल्फाज में समझाया कि देखो मैं ये करना चाहता हूँ, ये मसला है और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैं बहुत श्योर हूँ जाके। उससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं कि ये आदमी जुनूनी वाकई है। आप दिखा रहे हैं कि बादशाह को कि जी मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, पहाड़ को बिल्कुल चढ़ता हूँ मैं, और ये आप उसको प्लान करके दिखा रहे हैं। तो ये आपने क्रेडिबिलिटी बनानी, और प्लानिंग, उसके लिए आपने प्लानिंग करी, उसके लिए आपने उस चीज को समझा, प्रॉब्लम को समझा। जरूरी नहीं है कि आपका कोई ताल्लुक उस फील्ड से हो, आप एक नॉर्मल आदमी होते हुए बिल्कुल भी आप जाके, बल्कि ज्यादा अच्छा जॉब कर सकेंगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप ज्यादा सवाल करेंगे और एक आम इंसान की तरह सवाल करेंगे, और उसके जवाब भी आम इंसान की तरह लिखेंगे, कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होंगी, एक्रोनिम्स कम होंगे, और आप उसको समझा सकेंगे।
तो अब हम वापस आते हैं कि आपने पहले टीम के 5 लोग कैसे जमा करें, कि टीम बिल्डिंग का जो काम है वो बगैर टीम के कुछ नहीं आपने कहा होता, तो पहले जो 5 लोग हैं आपके साथ खड़े होके आने वाले, वो 5 कौन दोस्त थे, क्यों आए और किस तरह से आपने उनको कन्विंस किया? उन्होंने भी तो कहा होगा ना, भाई तुम्हारा थटे आ गए हो, क्या कर रहे हो पाकिस्तान में जाके, कैसे करोगे, नौकरी कौन करेगा, बनाएगा कौन, किस तरह होगा? तो वो आपने उनको कैसे यकीन दिलाया, उनके साथ कैसे क्रेडिबल? रेहान भाई, सच्ची बात है कि उसमें जो ओवरसीज 2-3 दोस्त थे उनके साथ हम पहले भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, तो हम लोग तो थोड़ा सा टीम जेल्ड अप थी। पाकिस्तान की टीम का मैंने आपको बताया कि वो लोग बिल्कुल मुंह फेर लेते थे या मजाक समझते थे या थोड़ा बहुत बिलीव करते थे कि है, लेकिन अभी बोल रहे हैं, जब करने उतरेंगे तो इनको क्या पता है हॉस्पिटल क्या है, फला फला, ये मसला तो रहा। लेकिन एक दिन मैं तंग आकर, इत्तफाक ऐसा था कि कराची में 3 डॉक्टर्स मौजूद थे और एक दोस्त मेरे सऊदी अरब से आए हुए थे, मैंने 5 लोगों को एक जगह जमा किया और मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हम 5 लोगों को अल्लाह ने इतना तो दिया है कि हम 1-1 लाख रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम 5 लोग कमिट करते हैं इस कमरे में कि हम 5 लाख, 1-1 लाख दे दें तो 5 लाख रुपया जमा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 5 लोग कमिट कर रहे हैं, यहां से कहानी शुरू होती है वहां रियल ग्राउंड, 5 लाख रुपया जमा हो। दूसरे मैंने कहा कि सिर्फ एक काम हम और करेंगे कि हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें ये 5 नाम भी लिख दें और हर हफ्ते के हफ्ते इस एक्सेल शीट को हम 5 लोग शेयर कर लेंगे और अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनको मैसेज कर देते हैं कि हम लोग चोर बेमान डाकू लोग हैं नहीं, हमें एक आई हॉस्पिटल बनाना है, हमने 1-1 लाख रुपए खुद प्लेज किया, आप लोग भी कर दें। और हमें ये बिलीव था कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वहां से होगा, डॉक्टर्स को कराची में लोगों को नहीं था बिलीव, लेकिन जैसे आई कुड सी कि दिस कैन हैपन। तो ऐसे ही हुआ, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, तो 5 लाख से 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, जमीन उसमें कोई 1.5 करोड़ की थी, तो मे बी विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम 1 करोड़ रुपया टच कर गए थे जस्ट थ्रू ईमेल्स और कॉरेस्पॉन्डेंस और विद दिस ट्रांसपेरेंसी। किसी का नाम उसमें नहीं शो करना था, लेकिन हर कोई अपने कॉन्टेक्ट से पैसे ला के उस एक्सेल शीट को अपडेट कर देता था। इस वक्त 1 करोड़ रुपए हो गए। इसी टाइम पे एक और साहब के पास में गया और मैंने उनको बताया कि भाई ये सारा प्रोजेक्ट है, हम कर सकते हैं, जमीन के लिए हमें पैसे चाहिए, आप अगर 1 करोड़ रुपए मुझे दे दें तो मुझे ये बिलीफ है कि हम ये कर लेंगे और आपको इवन 1 करोड़ रुपए भी टाइम के साथ वापस कर सकते हैं, मतलब इट विल ऑल कम बाय, ऐसा है। वो बहुत नाइस आदमी थे, उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ, उन्होंने कहा मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ, लेकिन जो है क्या कहते, मुझे ये यकीन नहीं है कि आप वापस कर पाएंगे, क्योंकि लोग लेके जाते हैं तो लेके नहीं आते वापस। मैं कहा भाई ये तो अब आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, रेहान भाई एक और साइंस देखिए, मैंने पाकिस्तान में डॉक्टर्स को नहीं बताया कि 1 करोड़ रुपया आ गया एंड वी कैन डू एनीथिंग। आई वांटेड, मतलब पर्सनली मैं खुद भी रन फॉर, मैं खुद भी दौड़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, एंड आई वांटेड टू गिव देम द रन फॉर द मनी। आई जस्ट डोंट वांट कि तख्त के ऊपर कोई चीज उनको पेश कर दी जाती। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि अगर आप लोग 1 करोड़ रुपया आप लोग जमा कर लें तो उससे हम जमीन खरीद लेंगे, और मैंने एक साहब से शायद बात की है, शायद वो ऐसा कर दे तो वो भी 1 करोड़ रुपये दे देंगे, तो हम डायरेक्ट तामीर पे जा सकते हैं, तो आप जमीन के पैसे हमसे मांगे ही नहीं, बस जो जमा हो गया और बाकी जमा करो और जमीन कर ले। और यही हुआ कि उसकी वजह से उन्होंने एफर्ट किया एंड दे बॉट द लैंड बाय देमसेल्व्स, कुछ लोन भी लिया उन्होंने, जो कुछ किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि उनको हमने एक दिन चेक अच्छा सा लिख करके एक एनजीओ के साथ एमओयू बना के भेज दिया, दे मेड द एफर्ट टू गेट दैट मनी। हमारे पास क्योंकि ये पैसे आ गए थे 1 करोड़ रुपए, हमने उससे फौरन तामीर करना शुरू किया। और अगेन एक और बिलीफ ये था कि अगेन रियलिटी के करीब, हर उस बंदे ने जिसने 10 रुपया दिया हो, 1 लाख दिया हो, 20,000 दिया हो, उसको फीडबैक देना हमारी जिम्मेदारी है, उसको काम के करीब लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम वो करते थे कि पहली कोई खुदाई भी होगी तो मुझे उसकी तस्वीर चाहिए और एक मैसेज बनाए और हम भेजे। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे लोगों को अपने कॉज के साथ, लोग करीब आते हैं और लोग सीरियस होते जाते हैं, एंड इट कैन गो अमेजिंग। तो ये वाकया हो गया रेहान भाई। इसके बाद एक और वाकया ये हुआ कि हमारी फैमिली में एक खातून थी, बहुत नेक सी थी, उनको उनको पता चला, वो मेरे साथ गई, हमने डॉक्टर्स को बुलाया, वो प्लॉट पे गए फिजिकली, उन्होंने फिर कह दिया कि हम इसमें एक फ्लोर जो है वो पूरी आपको बना के देंगे। सो थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। अब ये मेरी तनख्वाह ऐसी नहीं है, मैं बस इतनी ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई मैं इससे कोई एक पैसा लेना नहीं चाहता था, और अपने एक्सपेंसेस, अपनी फ्लाइट्स, अपना आना जाना मेंटेन रखना चाहता था अपने उससे, और ईमानदारी से ये काम करते रहे। इट ऑल हैपन्ड टू अ पॉइंट कि ये हॉस्पिटल जैसे जैसे बढ़ता चला गया, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि हमें कहीं से पैसे की जरूरत भी नहीं थी, लोग खुद जो है वो हमारे पास पैसे और सर्जरीज के लिए आ रहे थे, और ये हॉस्पिटल आगे बढ़ता गया।
तो आपने यहाँ पे बताया कि टीम बिल्डिंग के लिए आपके पास, क्योंकि आप पहले से छोटे छोटे काम कर रहे थे, तो वो जो चार पांच ऐसे लोग आपके पास पहले ही बन गए थे, क्योंकि आपने बड़ा हॉस्पिटल बनाने से पहले पानी के कुएं और वगैरह वगैरह छोटे छोटे काम आप कर रहे थे जो 10,000, 20,000, 50,000 के थे, जिसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी उन पांच लोगों के साथ पहले से थी। तो यहाँ पर हम ये सीखा कि आपने टीम पहले दिन से नहीं बनानी है, टेक्स टाइम। तो आप उनके साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं, जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो आपको जानेंगे, पहचानेंगे कि ये बंदा झूठा है, मक्कार है, कैसा है, कितना से भरोसा किया जा सकता है। जब उसको आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा, जब 100 रुपए पे ट्रस्ट होगा तो 200 लगाएगा, 200 का ट्रस्ट होगा तो 500 लगाएगा, 500 का ट्रस्ट आएगा तो 1,000 लगाएगा, 1,000 का ट्रस्ट होगा 10,000 लगाएगा। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना है, और ट्रस्ट पहले दिन से 1 लाख रुपए से शुरू नहीं होता है। जो लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैं पहले दिन कर लूंगा, तो ये जहन में रखें कि हमारे मुल्क में क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। लोग बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट कर आ चुके हैं अपने ऊपर, तो हमें थोड़े थोड़े से काम करने चाहिए जिससे लोगों को भरोसा आ जाए। तो वो आपको बुरा भला भी नहीं कहेंगे और आपके साथ खड़े भी हो जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। लोग बुरे नहीं है, लेकिन आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस बड़े प्रोजेक्ट के करने से पहले आपको 5 साल छोटे छोटे प्रोजेक्ट, 2 साल छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1-2 साल किए तो वो भी कहेंगे ये हाँ भाई आ गया, अभी थोड़े दिन में पैसे खा जाएगा। तो पैसे उस हिसाब से ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाए और आहिस्ता आहिस्ता आपका काम हो जाएगा। नंबर 6, यहाँ पे उन्होंने फंड रेजिंग की टेक्निक्स बताई कि फंड रेजिंग के अंदर कम्युनिकेट करना फंडर को बहुत जरूरी है, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, जो भी तरीका उस जमाने में हो जब आप ये किताब पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कम्युनिकेट करना टेलीफोन कॉल के जरिए, बुला के जरिए, किसी भी तरह से आपने कम्युनिकेट करना है कि भी देखें जो आपने पैसे दिए थे वो हमने आपके लगाए हैं, जिसने पहले 10 रुपए दिए थे वो फिर 10 रुपए देगा, 50 रुपए देगा, 100 रुपए देगा। पहले उसने आपकी जबान पे दिया था, वो अपनी जबान पे देखेगा कि यार ये तो काम हो रहा है भाई, यहाँ तो पूरे तो 2 फ्लोर खड़े हो गए हैं, इनको थोड़े से पैसे और दे दो। तो ये आपने फंड रेजिंग की टेक्निक बताई कि भाई फंड रेजिंग के लिए आप जो है लोगों से कम्युनिकेट करें, बातें करें और आगे चले जाए। अच्छा जी, अगला क्या चैप्टर है? रहन भाई, इस पे भी मैं एक दो और एडिशनल बात कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग फंड देते थे उनसे हम जाती तौर पे कोई राबता रखते थे और उनकी कोई खिदमत करने की कोशिश करते थे, ना इस कॉज के लिए। मिसाल के तौर पे किसी को एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, वो डोनर था आपका, तो मैंने उसको एयरपोर्ट ड्रॉप किया है इस लालच में, नहीं कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने उसकी खिदमत करनी चाहिए दिल से, ताकि जो है वो मकसद के करीब आए। और देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट प्रोजेक्ट करते हैं, एकम्प्लिश होते हैं, तो आपकी हंगर या एपिटाइट बढ़ती है और ज्यादा करने की। आप एक कुआं खोदेंगे, आप 10 खुदवाएंगे, 10 खुदवाएंगे जो खुशी मिलेगी, आप 100 खुदवाना चाहेंगे, 100 खुदवाने की खुशी मिलेगी, 1,000 खुदवाना चाहेंगे, ये रुकता नहीं आदमी का। तो काम, नेकी का काम करने से आपकी हंगर या एपिटाइट मजीद बड़े से बड़े की बढ़ती है, तो और उसमें कोई एंड नहीं आता। मतलब जैसे अब ये हॉस्पिटल तक हम पहुंचे, या पहले हम ब्लड बैंक तक पहुंचे, ब्लड बैंक से फिर थैलसीमिया सेंटर पहुंचे, थैलसीमिया सेंटर से फिर ये आई हॉस्पिटल पहुंचे, तो इसका भी, इसकी अभी तक हंगर बहुत ज्यादा है। अगेन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप मजीद आगे नहीं ट्रांजेक्शन या लूप क्लोज कर पाते, लेकिन एपिटाइट बढ़ती है। तो लोगों की खिदमत करना, जो और किसी के पैसे को हकीर नहीं समझा गया, किसी ने 10 रुपया भी डोनेट किया तो उसको वही इज्जत दी जो किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया, इसकी बुनियाद पे कभी तफरीक नहीं की गई। हाँ बाज़ोगा लोग कहते हैं और ये बड़ा आदमी है और इसको जरा ऐसे, ठीक है, लेकिन बैलेंस रह करके बात होनी चाहिए। तो ये थोड़ी है कि वो असल तो कबूल होने वाली बात है, या असल हमें क्या मालूम कि इसके 8 आने से भी जो है वो पूरा आई हॉस्पिटल बनना था, और किसी के 10 करोड़ रुपए देने से भी उसमें बरकत नहीं आनी थी। आई डोंट नो, मुझे मुझे नहीं मालूम। मेरा काम तो जमा करना था और हर किसी को इज्जत देनी थी और लोगों से मोहब्बत करनी थी और नेटवर्क बनाना था, और वो हुआ। दूसरे रहम भी एक और काम हमने ये किया कि कुछ अरसे के बाद हमने डॉक्टर्स की टीम को कहा कि हम कराची में एक फंड रेजिंग इवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये बिलीफ है कि कराची के अंदर जितना रिसोर्स मौजूद है आपको कहीं से जरूरत नहीं है। हमने किया नहीं है तो हमें बिलीफ नहीं है। तो हमने 2016 या 17 में इंटर कॉन्टिनेंटल में एक फंड रेजिंग इवेंट अरेंज किया, और हम फ्लाई करके आए, हमने अपनी प्रेजेंटेशन की, कमिटमेंट फॉर्म्स डेवलप किए। अगेन शायद पाकिस्तान में और जगह पे तो कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर्स की कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। स्टेज पे मैंने इंश्योर किया कि हम किसी को नहीं बैठाएंगे, स्टेज शुड बी क्लीन, कोई बड़ा छोटा ये मेहमान है खुसूसी, उनके आगे पीछे, वी डोंट हैव द टाइम फॉर दिस। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है,
इसके अंदर 40-45 मिनट्स हम जेन्युइनली इस केस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, और उसमें ये नहीं है कि मैं इंडिविजुअली करूँ, उसमें डॉक्टर्स भी आए फला भी आए, वी विल शो दैट वी आर अ टीम, बट एट द एंड ऑफ द डे लास्ट 15 मिनट्स मुझे उसको फंड प्लेजिंग लेनी है काम को दिखा के, एंड आई मेड श्योर कि आई पुट कपल ऑफ केस स्टडीज इन टू इट, कुछ केस स्टडीज डाली रियल। अब एक पठान मजदूर की कहानी थी, उसकी एक बच्ची थी, उसकी एक आंख में इन्फेक्शन था, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है, वो डॉक्टर पैसे मांगते, उसके बाद पैसे नहीं होते, तो उसकी बीमारी बढ़ती जाती है बच्ची की, और फिर टू अ पॉइंट के जब वो एक चैरिटेबल आई हॉस्पिटल पहुंचता है, उस वक्त तक उसकी बच्ची की जो है वो दोनों आंखों में जो है वो पस पड़ चुके होते हैं, एंड अल्टीमेटली उसकी वो आंखें निकालनी पड़ती हैं, और वो बेचारा जो कहीं से कर्जा लेकर के आता है, तो वो सो टेरिफाइंग है स्टोरी कि हम में से कोई भी उसको सुनता तो आंखों से आंसू निकलते, एंड आई रिसर्च ऑन दैट केस स्टडी और उस जैसी कई और केस स्टडीज, और वो मैंने उस प्रेजेंटेशन में डाली, एंड आई कुड सी व्हाइल डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन के लोगों की आंखों में नमी थी और आंसू था, और वो एक पॉइंट आता है जहां पे आप कहते हैं कि नाउ यू नो द प्रॉब्लम, नाउ यू नो द सॉल्यूशन, एंड नाउ वी आर ऑन द ग्राउंड विद ऑल दिस होमवर्क डन, काइंडली अब आप आए और हमें सपोर्ट करें। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो वो लोग कहते थे कि यार अली भाई, इस प्रोग्राम से 10 लाख रुपए भी अगर हमने जनरेट कर लिए ना, और ये 5-3-4 लाख, हाँ इस पे भी बड़ी बहस हुई कि इतने बड़े होटल में कर रहे हैं तो खर्चा होगा, तो वो मैंने कहा खर्चा हम लोग आपस में कर लेंगे, लेकिन होटल में करना जरूरत है जमाने की, हम इसको चाय के होटल पे जा करके नहीं वो चीज कर पाएंगे। तो रेहान भाई वो हुआ, और मेरा ख्याल है कि 10 करोड़ रुपए 2016 में एक रात के अंदर उस हॉस्पिटल के लिए, उस जो कुछ जमीन, सिर्फ जमीन बनी थी उस वक्त या थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई थी, लोगों ने कमिट किया। जो डॉक्टर गफार बिल्लो साहब आए थे, उन्होंने अपने डॉक्टर्स की टीम की तरफ से 70 लाख रुपए अनाउंस किया, और भी बहुत से लोग थे, वो फिर खड़े होते गए एंड दे केप्ट ऑन प्लेजिंग। मैंने बाद में चेक किया कि जिन लोगों ने प्लेज किया उन्होंने रिसीव किया किसी ने कि जो एक प्लेज कर लिया और फिर गायब हो गए, तो 95% या 98% सक्सेस रेट था, नॉट इवन एनीबॉडी डिक्लाइन, खुशी खुशी लोगों ने खुद कॉन्टेक्ट कर करके दिए। ये थोड़ी सी कहानी थी जो शेयर करना चाह रहा था। फंडरेजिंग के लिए आप अपनी इवेंट भी कर सकते हैं, और फंडरेजर किस तरह कर सकते हैं आप यूट्यूब पे भी जरूर चेक करें, और इसी तरह से मैंने भी अटेंड की थी, तो वहाँ भी उन्होंने $1 million एक घंटे में जमा कर लिया था, और जिस तरह से ऑक्शनर था उन्होंने प्रोफेशनल ऑक्शनर हायर किया, और वो जिस तरह से ऑक्शन में बिडिंग करवाते हैं इस तरह से उसने बिडिंग करवाई थी, और बहुत अच्छा इवेंट था। तो ये हो गई प्लेजिंग, अब इसके बाद क्या स्टेप है? इसके बाद एक मेजर काम जो रहता है वो यही है कि रिसोर्सेज भी आने लगते हैं, कंप्लेसेंट हो जाएंगे आप, तकब्बुर आने लगेगा, शैतान बहकाएगा आपको, तकवे का बुखार चढ़ेगा कि जी मैं तो जी बहुत, आप फीलिंग आपकी ऐसी होगी जैसे आप अब्दुस्सत्तार रेदी बन गए या मदर टेरेसा हो गए, लेकिन यू हैव टू अगेन, मुझे तो यही लगता है कि काम शायद दोनों मोड पे पता नहीं चल जाता हो, लेकिन बरकत या सच्चाई तो सच्चाई के साथ ही रहती है, तो यू हैव टू मतलब वो रन फॉर दी मनी का जो जज्बा है या जो मेहनत का जज्बा है वो आप डाई आउट नहीं होने दे। जब करोड़ जब कुछ भी नहीं था, 500 रुपए आए थे, 500 रियाल आए थे, तब भी एक्साइटमेंट वही होनी चाहिए, जब 10 करोड़ आ गए तो अब एक्साइटमेंट ये थी कि यार अब हम इस हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी लाते हैं, इट शुडंट बी अ नॉर्मल आई हॉस्पिटल या समथिंग कैजुअल, और तो फिर ये कि भाई हम इसमें वो मशीन भी लाते हैं जो शायद पूरे पाकिस्तान या कराची में किसी एक हॉस्पिटल में है, और जो चीज 10,000 रुपए में होती है गरीब आदमी के लिए, क्या वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट या 200 रुपए में कर सकते हैं? तो एक्साइटमेंट नहीं डाई आउट होना चाहिए, अगर आपका दिल है उसके साथ तो एक्साइटमेंट साथ साथ चलता रहता है, स्टेजेस बदलते जाएंगे, कभी आप बहुत कमजोर फाइनेंशियल पोजीशन पे है, कभी आप बहुत मजबूत पे चले जाएंगे, बट यू हैव टू रिमेन हम्बल, और अपनी जो धुन है जुनून है उसको अब मतलब कंप्लेसेंट हो गए तो किल हो जाएगा मसला, तो ये नहीं होना है, मुतमईन नहीं हो सकते आप इसके अंदर। तो आपका पैशन जो था पहले वो डाई आउट नहीं होना चाहिए, मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए, ईगो जो है उसको ध्यान में रखना है कॉन्स्टेंटली, और अपनी ईगो को उठने नहीं देना है और हम्बल रहना है, जाके आगे चले। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेज होगा जी? उसके बाद रेहान भाई बस ये वाली रिलेशनिंग, आप क्योंकि फिर इतने अरसे तक इतने सारे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप वो नेटवर्किंग कंटिन्यू करते हैं, और नेटवर्किंग की वजह से प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस और ग्रोथ को शेयर करते रहना है आपने,
और चीज को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो यूं फिर वो जैसे जैसे अस्पताल बनता गया, एक एक मशीन आती गई, उसकी तस्वीरें खींचती थी हर उस बंदे ने जिसने कंट्रीब्यूट किया था, उसको वो प्रोग्रेस हम दिखाते रहते थे। वो मजीद एक्साइटेड होता था। पाकिस्तान हम ये भी करते थे कि भाई आप पाकिस्तान, हमें पैसे वैसे कुछ नहीं, आप पाकिस्तान जाए काइंडली विजिट तो करें उसको। और देखें हम हर संडे को 200 गरीब लोगों को गांव गोठों से उठा के खुद बस से लाते हैं, उनको एक तमीज के सेटअप के साथ जो है उनका ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद उनको रोशनियों के साथ वापस बस में बिठा के खुशी खुशी उनके घर तक छोड़ते हैं। इफ यू विल, आप एक संडे हमारे साथ स्पेंड करें, आपको जो पैसे देने न देना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन वंस यू विल सी द स्पिरिट बिहाइंड इट, उस डॉक्टर की स्पिरिट देखें, उस पैरामेडिक की स्पिरिट देखें, उस फैसिलिटी की डिजाइन, नीटनेस, क्लीनलीनेस, टेक्नोलॉजी ये देखें, तो यू विल फील समथिंग और इसी तरह से ग्रोथ हो सकती है। तो मेहनत बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर करनी पड़ती है। और ये बात कि जी पाकिस्तान के अंदर सब चोर हैं, ये है वो है, पाकिस्तान के अंदर जितनी अच्छाई का इम्कान है, जितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ इशू ये है कि हम वो फोरम्स क्रिएट करते जाएं। 10,000 ऐसे आई हॉस्पिटल बनाना हो ना, बन सकते हैं अगर आप जो है वो लोगों के साथ बस काम करते रहे और लोगों को यकीन दिलाते रहे हम भी कोई मुश्किल काम नहीं, बस हमारी खुद अपनी पर्सनल लिमिटेशंस है आ जाती है, शख्सियत की, जिंदगी के हालात की, जिन लोगों के साथ आपने जो बात कही है टीम बिल्डिंग की, आप देखें इतने पैशनेट हो करके हमने ये काम किया है, बात किया, लेकिन पता नहीं 3 साल के बाद कहीं पे इख्तलाफ भी आ सकता है, किसी की एपेटाइट कम हो सकती है, किसी की एपेटाइट बहुत बड़ी हो सकती है, फिर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जो आपने बात शुरू में हम कर रहे थे। या मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो एट दिस डेट ये 600 गज का हॉस्पिटल 3 मंजिल कोई बड़ी चीज नहीं है, एकड़ों में हम बनाना चाह रहे थे। साल में 1,000 20,000 ऑपरेशन कर रहे हैं, हम एक महीने में 20,000 ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी इसको हम शौकत खानम के लेवल पे ले जा सकते थे। लेकिन मैं ज्यादा उस पर इसलिए नहीं बोलूंगा कि अगेन जिंदगी की रियलिटीज हैं, हर किसी की लिमिटेशंस हैं, तो उसी के अंदर जितना आप ले जा सकते हैं, लेकिन ख्वाब डाई आउट नहीं हुआ, ख्वाब को मरने नहीं दी, वो तलब अभी भी। अच्छा, यहाँ पर आपने एपेटाइट का नाम लिया कि बहुत सारे लोग होते हैं उनकी दुकान पे लिखा होता है हमारी कोई ब्रांच नहीं है, और बहुत फख्र से लिखते हैं, और फिर उसी के बराबर में थोड़े दिन के बाद एक मैकडॉनल्ड खुल जाता है, उसकी 35,000 ब्रांचें होती हैं, सबवे खुल जाता है, उसकी 62,000 ब्रांचें होती हैं, KFC खुल जाता है, उसकी 22,000 ब्रांचें होती हैं। तो एपेटाइट होती है ना किसी की, 24 घंटे दोनों के पास टाइम है, कोई कहता है अभी मैं ब्रांच नहीं खोलूंगा मेरा, बड़ा पूरे कराची में जी बड़ी अच्छी बिरयानी मिलती है, हमारे पास ही मिलती है, लेकिन भाई लाहौर वाले ने क्या गलती करती, टोरंटो वाले ने क्या गलती करती, लंदन वाले ने क्या गलती करती, उसको भी तो खिला दो, वो तुम्हारे पास थोड़ी चढ़ के आएगा कि बिरयानी खाने थे, तो उसको भी अपनी पहचानी। तो ये एपेटाइट जो है, ये किस तरह से इसको चेक किया जा सकता है कि मेरी एपेटाइट क्या है और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? रैम्बी, वो तो वही वाली बात है ना कि आपके अंदर क्योंकि ख्वाहिश है ना, आपका खुद आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप किसी चीज को किस लेवल तक देख रहे हैं, तो आप लिमिटेड रह ही नहीं सकते। ये वाली अप्रोच तो चल ही नहीं सकती कि मेरी एक ही ब्रांच है या मैं इसी, क्यों लिमिटेड रहेंगे आप? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जब, मैं आपको बताऊं, जब ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ और आगा खान के ऑप्थोमोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना बड़े फुटप्रिंट का, जबकि सिर्फ वो 1,800 गज है, अगर 3 मंजिल मिला ले, इस टेक्नोलॉजी का, इस स्पिरिट का, इस वॉल्यूम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती पूरे पाकिस्तान में, राइट? तो अब तो ये तो क्रीम बोर्ड हो गया ना, मतलब इट्स गुड इनफ कि इट इज ऑल टॉप ऑफ द लाइन। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि एकड़ों पे ये काम होना चाहिए और एकड़ों पे हमें इसको डेवलप करना चाहिए, और बिल्कुल एक वर्कशॉप की तरह, जैसे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, 50 डॉक्टर बैठे होते हैं और ये कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे थे, वी कुड हैव एलिमिनेटेड इट, और ये बहुत बड़ी चीज हो सकती थी। लेकिन वो चीज है, ख्वाब है, जहन में है, लेकिन अगेन कुछ ग्राउंड पे अभी ऑपरेशनल चैलेंजेस है, मैं उससे ज्यादा है, वो लोग सिर्फ इतना ही कर पाए अभी कि 600 गज के बराबर में एक और 600 गज लेकर के, वो उतनी एक्सपेंशन को बड़ा समझते हैं। मैं नहीं समझता, आई वुड हैव गॉन ऑन सुपर हाईवे एंड वी वुड हैव लॉन्च्ड अ वे बिगर प्रोजेक्ट, लेकिन अगेन अभी वो थोड़ा सा, जैसे कहना गाड़ी के पहिए मैच नहीं कर रहे, लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है, इट्स जस्ट स्ट्रेटेजी के ही है, तो ये मैं कहना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने एक बहुत ही फैंटास्टिक काम किया और आपने हमें समझाया भी कि कोई भी किस तरीके से कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को और इस किताब को पढ़कर देखकर लोग और इंस्पायर होंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने की ख्वाहिश करेंगे, पैशन क्रिएट करेंगे और छोटा सा एक पौधा लगाना शुरू कर देंगे।
प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और जब उसके बाद आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास और अली भाई के पास आप आ सकते हैं कि भाई हम नई प्रेजेंटेशन तक पहुंच गए हैं, अब आप बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब आप हमें मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, जो भी करना चाहें करते हैं। लेकिन मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि अगर आपने इतना काम कर लिया तो कोई ना कोई आपके पास खुद चल के आएगा और कहेगा अगला स्टेप मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। और दोबारा एक फिल्म मैंने हाल ही में देखी थी, द सीक्रेट, मैं आप सबको दोबारा एडवाइस करूंगा वो देखने के लिए, कि जब आपको यकीन है कामिल होता है किसी चीज पर तो वो एक्चुअली हो गई होती है। टाइम डजेंट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। अगर आपके जहन में कोई चीज आ रही है कि ये हो गई है और आपको यकीन होना चाहिए कि हो गई है, आपके पास जुनून है, आपके पास जिस तरह अली भाई ने बताया कि सोते वक्त भी मुझे कंस्ट्रक्शन होते हुए नजर आ रही थी, तो आप अगर किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो उसका फोटो बनाएं, उसको प्रिंट निकालें, अपने बेडरूम में लगाएं, तमाम आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए ये बंदा पागल हो चुका है, ये जुनूनी हो चुका है, इसने ये, अब इसके सामने से हट जाओ नहीं तो ये तुम्हें भी रोंद के चला जाएगा। जब आपके अंदर ये जुनून आ जाएगा तो फिर कोई कायनात की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं, बल्कि लोग कहीं कहीं से आपको ढूंढते हुए खुद आएंगे आपकी मदद करने के लिए कि ये हमसे मदद ले लो, हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। रूमी का एक और कॉल है कि जो उसकी तलाश आपको है वो उसको आपको ढूंढ रहा है, तो जिसकी तलाश आपको है, चाहे वो डोनर हो, चाहे वो बनाने वाला हो, कोई भी हो, किसी भी चीज की तलाश हो आपको, वो आपको तलाश, वो चीज है, ढूंढ रही है वो आपको, आपकी, आप बोले तो सही मुझे ये चाहिए, वो आपके पास खुद चल के आए। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ख्वाब क्या है अली भाई, अब कौन सा हेल्थ सिटी बनेगी कराची में? बस ये कि अब उसके इसके बाद जो अब डाइवर्सिफाई हो गए हैं, क्योंकि रुकना नहीं है, मतलब जमूद पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जब भी मौका मिलता है तो आजकल कुछ दरख्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब चीजें रुकती नहीं है, जहन फिर रुकता नहीं है, एपेटाइट बढ़ती जाती है, जो अचीव कर ले उससे ज्यादा की एपेटाइट इतनी खतरनाक हद तक बढ़ती है रेहान भाई। और फिर बढ़ने की दो वजूहात है, पाकिस्तान के अंदर अगर मिजरी है कोई तो वो भी बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है आपको, आप गुर्बत एक थप्पड़ है आपके लिए, जहालत एक थप्पड़ है, प्यास एक थप्पड़ है, भूख एक थप्पड़ है, तो आप खाली थप्पड़ नहीं खा सकते। जिस भी आदमी के अंदर पाकिस्तान से इंसानियत के लिए मोहब्बत होती है वो खाली थप्पड़ खाने के लिए तो नहीं बैठा है, सब चीजें नाउम्मीद करती हैं, लेकिन आप करें। अभी देखें पाकिस्तान में इतना कुछ बदल गया और सबको बहुत कुछ उम्मीद है, पता नहीं कितना होता है कितना नहीं होता है, लेकिन यू कैन नॉट जस्ट सिट आइडल, तो एपेटाइट तो बढ़ेगी आप चले, कुछ भी अचीव करेंगे वो आपकी। अगला प्रोजेक्ट हेल्थ सिटी जब आपको करना हो 100 एकड़ पे, मेरा ख्वाब है कि एक हेल्थ सिटी हो जिसके अंदर यूनिवर्सिटी हो, आ खान की तरह का हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, और वहां पर लोग आए रहें। आ खान में भी आप रह नहीं सकते, वहां पर लोग आए पूरे मुल्क से, आए रहें 2-2 महीने के लिए, अपना इलाज कराएं और ठीक होकर रिहेबिलिटेट होकर चले जाएं। उसके बराबर में ही अनदर 100 एकड़ के ऊपर एजुकेशन सिटी हो और जहाँ पर लोग तालीम हासिल करें, और उसी के ये दो चीजें हमारे पास प्लान है। मैं कुछ जुनूनी लोग चाहिए जो एक्चुअली एक्शन करना चाहते हो, मैं तो ख्वाब देखने वाला आदमी हूँ, तो उसके लिए हमने लैंड एक्वायर कर लिया, बट उसके लिए वाह wow. हमने लोग एक्वायर नहीं कर पाए जो जुनूनी हो और ये सब काम कर सकते हैं। तो तकरीबन 250 एकड़ जगह ले ली है, और बट अवेलेबल है, आप जब आपके अंदर जुनून आ जाए या कोई और आ जाए तो शुरू कर दें। तो आप ये जो कह रहे हैं ना मेडिकल सिटी, मतलब मैं जो आपको कह रहा था इसकी भी जो एक्सटेंशन थी वो बिल्कुल यही बात थी जो आप कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया में एक, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक बंदा है, उसने बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर यही वाला काम किया है और टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी, तो या इंडस हॉस्पिटल जिस मॉडल के ऊपर है या इस तरह की जो चीजें, मतलब ये काम इसी लेवल पे होने चाहिए, ये मरे मरे अंदाज में छोटे छोटे किरायों की जगहों पे, इससे हम कभी कुछ बदल ही नहीं सकते। और लोग जो महल बना रहे हैं अपने दुनिया के अंदर, इनकी के फार्म्स बन रहे हैं एकड़ों के ऊपर, भाई तालीम के लिए बनाओ। और ये सेहत को कौन सी महंगी चीज होनी चाहिए कि जी एक आदमी का पाउंड टूट गया तो जब तक वो 1 लाख कर्जा लेकर के इलाज, मुफ्त होने चाहिए ये सब चीजें। ऐसे जब इतने जायंट सेटअप्स होंगे और उनके पीछे जो है क्या कहते हैं अच्छे लोगों की बैकिंग होगी और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, तो ये हम अपने मुल्क से मसले वैसे ही हल कर लेंगे, मतलब इट शुड हैपन। एक मेडिकल सिटी आप कह रहे हैं, जब ये बनेगा नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी प्रिवेंशन के ऊपर काम होगा, प्रिवेंशन के ऊपर काम होगा हॉस्पिटल पे लोड कम होगा,
इंसान एजुकेटेड होगा वो दरख्त उगाएगा, दरख्त उगाएगा ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब हर चीज ऐसी आपस में मिली हुई है, लेकिन इस शऊर को ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहा कोई, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा। मुझे अभी कल परसों किसी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पता है इमाम शाफी का किसका कॉल है, कहने लगे कि उनके पास जो शागिर्द था उसने ये कहा कि 18, मैं 20 साल इमाम के साथ, इमाम के जेर असर रहा, 18 साल उन्होंने मुझे तमीज सिखाई और सिर्फ 2 साल तालीम सिखाई, काश के वो मुझे 20 साल तमीजी सिखा देते। तो बस ये तो नुकता ऐसा है कि तमीज ही का मामला है, तमीज और तहजीब का मामला है। जिस दिन आ जाएगी ना हम पानी जाया करेंगे, ना प्लास्टिक फेंकेगा, ना दरख्त कटेगा, ना कोई इंसान भूखा सोएगा, इट विल ऑल कन्वर्ज, और ये मैसिव वॉल्यूम पे उसी वक्त होगा जब माशरे में देखें, जब ये इंडस हॉस्पिटल को हम देखते हैं, शौकत खानम को देखते हैं, अदीब रिजवी को देखते हैं, SIUT को देखते हैं, खुशी होती है कि किसी लेवल पे कोई काम हुआ है। हम शायद यही दुनिया जानते हैं, कोई आदमी टेक्नोलॉजी की दुनिया जानता है उसको और बहुत सी चीजें पता होंगी, उसके लिए वो बड़े ना, हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, लेकिन बस अच्छी चीज की डेफिनेशन पकड़े और आसानी से जिंदगी में जितना बड़ा से बड़ा अल्लाह ताला करवा दे करने की कोशिश करें। तो मैंने अल्लाह आपके रोकते हैं मेडिकल क्या, छुट्टी और अल्लाह मियाँ क्या बड़े ख्वाब देखने से एजुकेशन, रोकते हैं? बिल्कुल नहीं रोकते, क्यों रोकते हैं? वो तो कौन पता नहीं, रोकता हम है? खुद ही रोक रहे हैं, हम हमारे अंदर कुछ खुद होता है, वरना ख्वाब तो है। ये मजे की बात है, ये आपने जो बात बोली, आप जितना बड़ी चीज देखेंगे, आप लोग कहते हैं पागलपन की बात है, आपके पास तो 10 रुपया नहीं है, आप 10 करोड़ की, 10 अरब की, 100 अरब की बात कैसे सोच सकते हैं? मगर ये आप जिस दिन सोचेंगे वापसी, ये बात ट्रू है, हम खुद सोच करके उसके साथ सच्चाई के साथ चलते नहीं है तो वो चीज होती नहीं, तो हम कहते हैं बेवकूफी, लेकिन जिसने, जो आप कह रहे थे, जो सोच लेता है और उसको यकीन होता है और कोशिश करता है, वो पहुंच जाता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिएगा मोहसिन भाई, और जितने भी सुनने वाले हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये जब किताब आ जाएगी तो आपको कमेंट में हम बता भी देंगे कि ये किताब भी आ गई है, और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो को इस्तेमाल करके एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बना दें। अली भाई से गुजारिश है कि जितना आपके पास कॉन्टेंट हो इन मवाकों का वो हमें प्रोवाइड कर दें, तो हम इसी ऑडियो को और इसी और वीडियो को इस्तेमाल करके इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना देंगे कि भई ये हॉस्पिटल कैसे बन गया, और कोई भी कर सकता है, राइट? तो ये एक एक और यकीन है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमारे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, SIUT की एग्जाम्पल है, इंडस हॉस्पिटल की एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के अंदर शान मसाला की एग्जाम्पल है, बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, बट खुद हमारे जो, हम खुद अंदर से जो है ना कमजोर हो जाते हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाते, खुद हमारी नेस्टीम की वजह से या सेल्फ बिलीव की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। बहरहाल, कराने वाला भी इन्वॉल्व है और करने वाले भी इन्वॉल्व हैं, तो मुझे तो पता नहीं है सही के क्या तरीका सही है, बाकी मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अगेन, ये इतना सा काम था, और जजाकल्ला खैर, और मेरी दुआ है और ख्वाहिश है, और मेरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दो कामों के लिए। एक तो अगर आपको प्रिवेंशन से रिलेटेड वीडियोस बनवानी है अपने हॉस्पिटल के लिए, तो वो मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम बना देगी आपको, आपने सिर्फ कुन करना है। सेकेंड, इस हॉस्पिटल की रेप्लिकास बननी चाहिए, SOPs बना के, बकायदा जिस तरह से हम एक फोन बनाते हैं या ग्लास बनाते हैं या समोसा बनाते हैं, उसी तरह से हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। औरंगी टाउन में ज़रूरत है, कोरंगी में ज़रूरत है, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, 250 मिलियन लोग हैं, बहुत सारे लोगों को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले प्रिवेंशन पे काम, मैं हाजिर हूँ, वो तो कल से शुरू हो सकता है, और बाकी इसको एक्सपेंशन के लिए अगर आप चाहें और अपने टीम से बात कर लें, बोर्ड से बात करें, तो एक सबसे पहला काम हम ये करेंगे, चीफ एक्सपेंशन ऑफिसर एक हायर कर लें, जिसका काम ही यही होगा कि जी हमने इसको 2 करने हैं, 2 से 4 करने हैं, 4 से 10 करने हैं, और उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए, वो एक जुनूनी इंसान आपकी तरह हो जो उसको लेके चलना शुरू कर दे, और आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको एक आखिरी सवाल था कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा आपको करने में? रेहान भाई, 2015 से 17 तक में ये किक ऑफ हो गया था, 2012 में शुरू हुआ ना, 2012 से बुनियाद, कॉन्सेप्चुअली। नुतफा जो हाँ था, कॉन्सेप्चुअली, जो जो आइडिया था,
वो 2012 में आया और बच्चा जो है वो साल 2017 5 साल में ग्रेजुएट कर गया। हाँ 2017 कह लें कि उसमें। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एक छोटा सा क्या कहना चाहिए कन्फेशन भी करना चाहूंगा। मेरे से अली मोहसिन की मुलाकात आपसे शायद 2012-13 में एक दफा डिनर पे हुई थी, तो वहां पे उन्होंने मुझे तस्वीरें बताई थी और मुझे कहा, नहीं तस्वीरें नहीं बताई, उन्होंने कहा रेहान भाई ये बन रहा है आप जरा प्लीज देखने आइएगा। मैंने कहा भाई मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, वीडियो बना के भेज दो तो मैं जरूर देखूंगा और फॉरवर्ड भी करूंगा। फिर उस वीडियो में शायद कोई कबाहत थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, फिर दोबारा इन्होंने कोशिश करी करने की, इन्होंने अपनी हद तो लिंकान कोशिश करी और मैंने अपने अपना वाला काम किया कि भी मैं तो डंडा लगाता हूँ भी सही करो अच्छा करो। तो अब वो पता नहीं वो अच्छा कदम था या खराब कदम था, पर मैं अपोलोजाइज अगर आपको बुरा लगा हो, नहीं बट आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आई और मेरी ऐसा ऐसा सेट की मेरी दुआ है कि ये और बनाए आप अपने बोर्ड को कन्विंस करें कि भाई एक से गुजारा नहीं हो रहा है तो मैं इसको और बनाना चाहिए, और एक R&D का बंदा भी रखना चाहिए जो कि अगर आपको अभी 500 रुपये कॉस्ट आ रही है तो उस कॉस्ट को 400 रुपये लेके जाए। लेकिन टेस्ला ने पूरी गाड़ी को शुरू से बनाया, ये नहीं करा कि मैं गाड़ी के अंदर जो है ना पहिया जरा सा टेढ़ा करूंगा, नहीं उसने गाड़ी शुरू से बनाई। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू से बनाया, फिर उसके बाद क्रोम आ गया और गूगल ने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू से बनाया, अब फेसबुक ने अनाउंस किया है कि मैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं फिर दोबारा शुरू से बनाऊंगा। तो जो लोग बड़े एंडेवर्स करने की कोशिश करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। आप ओपन सोर्स में प्रोजेक्ट लॉन्च करें कि जी आंखों का हमारा ये अभी प्रोसेस है, इसको हम इस तरह से कैटरेक्ट करते हैं और इसको दुनिया में कौन है जो हमें बता सकता है कि हम अपनी 5% एफिशिएंसी बढ़ा दें, तो 1-1% 5% एफिशिएंसी भी बढ़ाएं और उसको एक इनाम रख दें कि मेरी तरफ से इनाम रख दें कि 10 लाख रुपए का इनाम होगा कि अगर कोई हमारी कॉस्ट को 500 रुपए से गिराकर 200 रुपए ले आता है उसकी SOP बना लें, आप xprize.org को स्टडी कर लें, वो यही करता है कि भी जहाज इस तरह से बना लो एजुकेशन कर लो तो हम इतने मिलियन डॉलर दे देंगे। तो इसी तरह से आप इनाम अनाउंस करें कि जी अगर कोई भी इस प्रोसेस को हल कर देता है, ये इसकी SOPs हैं ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको इतने रुपए का इनाम देंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपको पब्लिसिटी भी मिलेगी, लोग आपके बारे में भी जानेंगे और एक आदमी नहीं बल्कि सैकड़ों प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस सब मिलके उसको उसको करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई टीम जीत जाएगी, आपको 10-15 लाख रुपए इनाम के एवज में लाखों लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इस काम को करने के। तो आप एक्स प्राइज को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा कि उन्होंने किस तरह से बनाया और किस तरह से इनाम को क्योंकि हजरत इंसान के अंदर कंपटीशन बिल्ट इन है, छोटे से बच्चे दो होंगे ना तो लड़ रहे होंगे कॉम्पीट करने के लिए, तो वो उस कॉम्पिटिशन की एनर्जी को इस्तेमाल करा प्राइज के जरिए कि अगर आप हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो हम आपको इतने पैसे देंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हाउसिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनाम में अनाउंस करना चाहिए कि जी हम 5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे जो भी 10 लाख रुपए में हमको 2 कमरे का घर बना के दिखा सकता है किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, हमारे ये SOPs हैं हमारे मुल्क के लोगों का मसला हल हो जाएगा। तो अब 10 करोड़ रुपए की कोई अहमियत नहीं है इस काम के लिए, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों बच्चे हजारों यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस सब लग जाएंगे रिसर्च करने के लिए भी कैसे होगा हमें नहीं मालूम कैसे होगा, हमें क्या मालूम कैसे होगा, हमें पता हो तो हम कर लेते, तो जो नहीं पता वही तो इजादात लोग रिस्ट्रक्चर करेंगे लोग रीथिंक करेंगे प्रोसेस को, खास तौर पे बच्चे लोग कि भाई ये कैसे करें। तब एक बच्चे ने 3D प्रिंटर अगर बना दिया घर बनाने के लिए कि जी हम पूरी 3D पे घर प्रिंट कर देते हैं आपको $10,000 में हो जाएगा, तो वो जीत जाएगा ना। सो थिंक ऑन दोज लाइन्स कि हम इंटरनेट की ताकत को किस तरीके से और अच्छे आइडियाज को किस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। अगेन अली भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका शुक्रिया। इस प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली हमने इसको उर्दू में किया है, तो आप मैं ये एक और रिक्वेस्ट इसमें आखिर में करूंगा कि आप अपने डायग्राम्स अपने प्रोसेसेस अपनी सब चीज को जितने जल्दी हो सके ओपन सोर्स कर दीजिए, जाके कहीं किसी को खटमंडू में हॉस्पिटल बनाना है, किसी को नाइजीरिया में बनाना है, सोलामालिया में बनाना है, तो वो आपके SOPs को इस्तेमाल करके शुरू कर दे बजाय इसके कि वो दोबारा सारी वो गलतियां करे, तो 5 साल की जगह वो 2 साल में बना लेगा
अगर आपके सारे ट्रू प्रोसेसेस ट्रू ट्रू अवेलेबल हो, इंटरनेट पे अवेलेबल हो, यहाँ जाओ, ये पूरा SOP है, ये फाइल है, इसको डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। ये किताब जो बिल्कुल हमने बनाई है, ये तो बिल्कुल एक इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन इसको डिटेल भी बनाया जा सकता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर्स जिस तरह हमने आज बनाए, 8 चैप्टर बनाए, तो 8 की जगह 8 चैप्टर हो जाएंगे कि मशीन कैसे खरीदनी है, बंदे कैसे हायर करने हैं। तो जो भी आपके SOPs हैं, अगर आप वो इंटरनेट पे डाल देंगे छोटी छोटी वीडियोस बना के या फॉर्म्स की शक्ल में, तो लोग उसको कॉपी कर लेंगे, रेप्लिका कर लेंगे, और आपका जो हॉस्पिटल अगला है वो आपको आपके लिए भी आसान हो जाएगा बनाना, और जो दूसरे लोग दुनिया में कहीं भी बनाना चाहते हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका इंतजार ना करिएगा कि कोई आएगा पूछने के लिए। कोई किताब लिखने वाला असली किताब नहीं लिखता कि भाई कोई मुझसे किताब मांग रहा था, बल्कि वो इसलिए लिखता है कि उसने किताब लिखनी होती है। तो आप लोग बेचैन, इसी तरह से लोग तड़प रहे हैं, और ये वो एक काम है जो आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी की इसमें जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक मोटी सी फाइल बनानी है जिसके अंदर एक A to Z लेके ओपन सोर्स में जब आप डालेंगे तो लोग आपसे फिर सवाल करेंगे। तो उसके अंदर अगर 8 चैप्टर 10 चैप्टर अभी ये हम किताब निकालेंगे तो लोग आएंगे आपसे डिमांड करेंगे और बताओ और बताओ, तो खुद ब खुद आपकी किताब मोटी मोटी होती जाएगी। तो होती वर्जन है। टू वर्जन थ्री वर्जन फोर आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन पहला स्टेप हमने आज ले लिया है इस वीडियो के जरिए, ताकि लोग आप तक पहुंचे, आपसे सीखें और आगे लेके चले जाएं। ठीक चलो है, चलो, बिल्कुल, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।